हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सोया चंक्स की सब्जी। ये बहुत इजी है बनाने और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सोया चंक्स, टोमेटो, कॉर्न स्टार्च, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, घर में बनाए हुए मसाला, नमक स्वाद अनुसार, धनिया के पत्ते और तेल। सबसे पहले हम सोया चंक्स को सॉफ्ट करने के लिए गर्म पानी में भिगो के रखेंगे। सोया चंक्स को थोड़ा देर भिगो के रखें जब तक आपका सोया चंक्स फूल नहीं जाते और सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये अच्छे से फूल गए हैं, इसे ठंडा पानी से अच्छे से धो ले। इनमें से सारे पानी को निचोड़ के निकाल लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गए हैं, हम इसमें अभी साबुत गरम मसाला डाल देंगे। एक बड़े साइज के इलायची, छोटी इलायची, 4 लौंग और 2 छोटे पीस दालचीनी। अभी हम इसमें कटे हुए प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्च, इसे अच्छे से मिला ले। इसे सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका ले। अभी हम इसमें डालेंगे होममेड मसाला। इसका रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हल्दी पाउडर, ये अच्छे से पक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे सोया चंक्स, अच्छे से मिला ले और थोड़ा देर मीडियम आंच में पका ले। इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर और ये सब अच्छे से मिक्स कर ले। इसे मीडियम आंच में थोड़ा देर पका ले। टोमेटो डालेंगे इसमें, मैंने यहाँ बड़े साइज का 2 टोमेटो लिए हूँ। इसे अच्छा से मिला ले और सॉफ्ट होने के लिए मीडियम फ्लेम में ही पका ले। इसे थोड़ा देर कवर करके पका ले। अच्छे से टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हम ड्राई फ्राई नहीं करने वाले हैं, इसे हम थोड़ा ग्रेवी बनाएंगे। इसे ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें कॉर्न स्टार्च डालेंगे। और साथ में 1 कप पानी भी डालेंगे, इससे हमारे ग्रेवी बहुत अच्छे बनेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा देर पका लेंगे। जब ये अच्छे से पक जाए इसमें धनिया के पत्ते डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारा ग्रेवी कितना थिक बने हैं और करी बहुत डिलीशियस है। और सोया चंक्स की सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। यह रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है बनाने के लिए। आप इसे रोटी, चावल या पराठा के साथ खा सकते हैं। अगर आपको यह रेसिपी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।